हेलो लेडीज़ एंड डेंटमैन नमस्कार सत सलाम दिस इज़ अमित कपूर दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ईयरली प्रडिक्शन ईयर 2023 की कैसा रहेगा ईयर 2023 ट्वेंटी कैप्रिकॉन असेंडेंस और मून साइन के लिए अगर आपका कैप्रिकॉन असेंडेंस है तो भी ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आपका कैप्रिकॉन मून साइन है या असेंडेंस है यह वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा मून साइन अगर आपका कैप्रिकॉन है तो 60 परसेंट यह वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा और यह प्रडिक्शन आपके ऊपर अप्लाई होंगी तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की डायनेमिक्स की आउटर प्लानट जुपीटर सेटन राहू केतु का जो गोचर है वो किस तरह का आपके लिए रिजल्ट लेकर आ रहा है ईयर ट्वेंटी में कितनी उपलब्धियां आपको हासिल होंगी कितने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कितने फाइनेंशियल गेन्स होंगे, कितने फॉरेन ट्रेवल्स होंगे किस तरह की मैरिटल लाइफ रहेगी किस तरह का आप हार्डवर्क करेंगे और उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? शादी आपका मैरिटल आपका आपका इसको कवर करूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक्स की देखें आपके लगन के लॉर्ड शनि सबसे पॉजिटिव इवेंट आपके साथ 2023 में कैप्रिकॉन असेंडेंस और मून साइन के लिए यह होने वाला है कि पिछले ढाई साल से शनि आपके लगन में गोचर कर रहे थे और तहस नहस कर रखा था आपके मेंटल स्टेबिलिटी को आपकी मैरिज लाइफ को नहस, नहस कर रखा था आपके थॉट्स को यू आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव एंड वेरी डीप यू आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन यूर मैरिटल लाइफ बिजनेस पार्टनर्स के साथ पिछले ढाई साल से सफर हो रहा था मैरिटल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ पिछले ढाई साल से सफर हो रहा था लेकिन एक चमत्कार अब होने वाला है कि सत्रह जनवरी बीस को शनि अपना लगन छोड़कर मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे सत्रह जनवरी 2023 से लेकर उनतीस मार्च 2025 पच्चीस तक ये गोचर अब आपके थर्ड हाउस में रहेगा सत्रह मार्च बीस तेईस से लेकर इकतीस दिसंबर बीस सौ तेईस तक जो शनि होंगे वो आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे विच इज द गुड पोजिशन कंपेयर टू लास्ट फाइव ईयर्स क्योंकि आपके लगन या चंद्र राशि के ऊपर जो शनि की साढ़े सती चल रही थी अब वो उतरती हुई साढ़े सती है यानी कि खत्म होता हुआ ढाई साल है अखीरला ढाई साल है लास्ट फेज ऑफ सैटर्न इन योर सेकेंड हाउस विच विल ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ दूसरा सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब जुपिटर थर्ड हाउस को छोड़कर आपके फोर्थ हाउस पे ट्रांजिट करना शुरू करेंगे आपके टेंथ हाउस पे एस्पेक्ट होगी आपके एट्थ हाउस पे एस्पेक्ट होगी आपके ट्वेल्थ हाउस पे एस्पेक्ट होगी और उसके बाद थर्ड बड़ा इवेंट होने जा रहा है तीस अक्टूबर बीस सौ तेईस uh, को जब राहु जो होंगे वो थर्ड हाउस उपचे हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे और जो केतु होंगे तीस अक्टूबर बीस से आपके नाइन्थ हाउस में ट्रांजेट करना शुरू करेंगे अगले 18 महीने के लिए एक जनवरी 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु फोर्थ हाउस में होंगे और केतू टेंथ हाउस में होंगे और गुरु राहु का चंडाल योग 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा सो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की देखिए सत्रह जनवरी के बाद सत्रह जनवरी बीस के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर है आपके लिए हेल्थ को लेकर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव थाट्स दूर होंगी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी अच्छी एनर्जी आप फील करेंगे रिलेशनशिप आपके बेटर होने शुरू हो जाएंगे जो स्पाउस के साथ खटास चल रही थी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी पिछले दो ढाई सालों से जो आप सेपरेट थे अपने स्पाउस से या डिवोर्स का केस चल रहा था या किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आपके आपके स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ चल रही थी तो सत्रह जनवरी बीस के बाद आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि शनि एक मंद गति से चलने वाले प्लैनेट हैं शनि बड़ी स्लो मूविंग ट है इसलिए जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे बड़े स्लो मूविंग मिलेंगे लेकिन ये साल आपके लिए कंपेयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अगर हम देखें मानसिक तौर भी आप बड़े संतुष्ट फील करेंगे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी हेल्थ वेल्थ आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी स्पाउस के साथ आपके रिश्ते जो होंगे बड़े कॉपरेटिव होंगे आप अपने स्पाउस को पूरा सपोर्ट करेंगे आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा प्रोफेशनल लाइफ में भी फर्स्ट क्वार्टर जो है वो आप लाइफ

पर बैठते हैं उस चीज की वृद्धि करते हैं तो शनि सेकंड हाउस में आएंगे संभल कि आप अपने वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा ध्यान देके चलें नॉन वेज और एल्कोहल आपने बिल्कुल इनहेंस नहीं करना नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना विस्की बिल्कुल नहीं एनहेंस करनी तो आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑपरचुनिटीज रिवार्ड्स लेकर आएगा फैमिली एटमोसफियर आपका अच्छा रहेगा और आपका लव लाइफ जो होगी वो आपकी ऑन द ट्रैक हो जाएगी क्योंकि पिछले दो ढाई सालों से कैप्रिकॉन असेंडेंस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा परेशान चल रहा है कैप्रिकॉन असेंडेंस हो या मूनसाइन हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर दे आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज और स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता खराब हो रहा है दिमाग परेशान हो रहा है लेकिन अब समय आपके फेवर में है मैं पिछले दो साल के आप मेरे वीडियो सुन सकते हैं जिसमें मैं कैप्रिकॉन असेंडस के बारे में बोल रहा हूं डिवोर्स होगा सेपरेशन होगा लड़ाई झगड़ा होगा के साथ या आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा लेकिन अब गेम चेंज होने वाली है सत्रह जनवरी के के बाद आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कॉम्युनिकेशन के थ्रू आपका जो एक रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है वो ऑन द ट्रैक आ जाएगा हो सकता है आपकी फैमिली सपोर्ट करे आपको आपके रिलेशनशिप को ऑन द ट्रैक लाने के लिए जो सेकंड क्वार्टर है इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे अगर आप किसी किस्म के टीचर हैं, है, स्पिरिचुअल गुरु हैं, या आप किसी किस्म के रिसर्चर हैं, तो 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी तो आपकी इन सब चीजों में ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर कोई आप मंत्र साधना करना चाहते हैं तांत्रिक बनना चाहते हैं स्ट्रॉलेजर बनना चाहते हैं तो भी गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में आपके लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा आपका ध्यान लर्निंग की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन घर का माहौल यहाँ पर फिर से थोड़ा सा खराब होगा जिससे आप थोड़ा सा मानसिक परेशान रहेंगे क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग बन जाएगा चतुर्थ भाव में गुरु राहु का चंडाल योग आपका स्थान परिवर्तन भी करवाएगा जहां आपका बर्थ लैंड है आप सपोज करें दिल्ली में पैदा हुए हैं तो हो सकता है आप दुबई चले जाएँ अमेरिका चले जाएँ कैनेडा चले जाएँ आपका यू नो चेंज ऑफ प्लेस होने का टाइम 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर बीस तेईस तक रहेगा इस समय में हो सकता है आपको कोई फॉरेन जॉब मिल जाए या फॉरेन बिजनेस है या इस्टेब्लिश आप करें या फॉरेन में कुछ आपके टाइप अच्छे हो जाएँ या फॉरेन में कोई ब्रांच ओपन करें या किसी के साथ जॉइंट वेंचर में बिजनेस आप स्टार्ट करें दिस विल बी ए हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा लेकिन खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा क्योंकि गुरु की और राहू की नवम दृष्टि आपके ट्वेल्थ हाउस पे कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से दूर रहे आपका सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर आप कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं पैसा आपका कोर्ट कचहरी में खराब हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो सकती है क्योंकि अभी भी शनि का थर्ड फेज का आपके ऊपर साढ़े सती चल रहा है चाहे आपका मकर लगन है चाहे आपका मकर मून साइन है तो दिस विल बी अ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग टाइम फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एक तरफ से पैसे की आवक रहेगी लेकिन पैसा जुड़ेगा कम और खर्च ज्यादा होगा अननेसेसरी खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा जिससे दिमाग आपका परेशान रहेगा मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में आपकी मदर की हेल्थ खराब रह सकती है सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में आपकी मदर की हेल्थ खराब होने की वजह से दिमागी तौर पर आप परेशान रह सकते हैं या आपका पैसा आपका घर का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिसपे आपका पैसा खर्च हो सकता है दिस होल टाइम फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन रिलेटेड टू योर मदर हेल्थ रिलेटेड टू योर ओन हेल्थ यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर कमिटमेंट्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर यू नो टॉकिंग टर्म्स विद अदर्स बातचीत का रवैया आपका बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए नेगेटिव थाट्स को अपने से दूर रखेंगे तो सेकेंड और थर्ड क्वार्टर आपके लिए कुछ अच्छा जाएंगे लेकिन सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में कैप्रिकॉन असेंडस और मून साइन आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि गुरु और शनि थर्ड क्वार्टर में रेट्रोग्रेट हो जाएंगे जो आपके लिए कुछ कॉम्प्लीकेशन पैदा करेंगे जो आपके लिए कामों में कुछ डले पैदा करेंगे जिससे आप डिसेड हो जाएंगे और काफी ज्यादा एग्जाइटी या स्ट्रेस का सामना आपको फेस करना पड़ेगा देखिए थर्ड क्वार्टर इज नॉट ए बेनिफिशियल फॉर यू यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल टाइम आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ साथ तो तू मैम हो सकती है आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है वे ऑफ टॉकिंग की ओर जरूर इस साल ध्यान दे के चलें जितने पोलाइट होकर चलेंगे हम्बल होकर चलेंगे गुड वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे सामने वाले सामने वाले वाले को को इज्जत देंगे जितना ज़्यादा ज़्यादा रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे उतना गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा दोस्तों एक चीज हमेशा याद रख के चलें आपकी जो पब्लिक डीलिंग है आपकी जो लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग है या आपके आपके पेरेंट्स के साथ जो पब्लिक डीलिंग है उसका इफेक्ट प्लैनेट्स पे पड़ता है और प्लैनेट्स उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट्स देते हैं अगर आप किसी को गाली निकालोगे तो आपको गाली का जवाब गाली से ही मिलेगा अगर आप किसी के स, नाम के साथ जी लगाओगे तो वो भी आपके नाम के साथ जी ही लगाएगा यही एक रूल है यूनिवर्स का कि व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड अगर आप अपनी लाइफ में इस साल कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं या आप अपने स्टेटस को राइज करना चाहते हैं या आप अपने फाइनेंस को राइज करना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट देना सीखें अपने एल्डर्स को खास करके अपने पिता को ग्रैंड के चरण स्पर्श करके काम शुरू करें अपने मदर की हेल्थ का टेक केयर करें यह सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ क्रिशियल रहेगा थर्ड क्वार्टर कोई बड़ी कमिटमेंट ना करें किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप ना करें कोई बड़ी डील ना करें

फॉरन पी आर अप्लाई कर रखा है फॉरन वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या किसी किस्म का भी फॉरन रिलेटेड कुछ आप इन्वेस्टमेंट्स करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस विल भी अ हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिटेड पीरियड फॉर यू इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वैन यू विल ब्लेस्ड विद स्मार्ट गेंस यू आर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट यू आर कॉन्फिडेंस लेवल

कहीं गुना अच्छा होने वाला है क्योंकि आपके लगन से शनि को मुक्ति आपके लगन को शनि से मुक्ति मिलने वाली है और शनि एक ऐसे प्लैनट है जो कार्मिक प्लैनट है अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे एल्कोहल नहीं एनहेंस करेंगे बड़े बुजुर्गों को इज्जत देंगे बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करेंगे अपने माता पिता की सुनेंगे अपने स्पाउस की सुनेंगे अपने स्पाउस को इज्जत देंगे अपने दादा को अपने ताया चाचा को इज्जत देंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा सेविंग विंग्स आपकी राइज़ होंगी हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा वे ऑफ टॉकिंग बड़ी आपकी इंप्रेसिव हो जाएगी अगर आप इन सब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो अब हम क्या करेंगे ईयर 2023 हमारे लिए और ज्यादा अच्छा हो जाए पीपल के नीचे पे, पीपल के पेड़ के नीचे आ, सरसों के तेल का दिया जगाना है आपने सैटरडे नाइट को और उसमें एक चुटकी काले तेल डाल देने हैं एक नारियल लेके सिर से सत्रह बार एंटीक्लोकवाइज घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करना है एक एक कर, सत्रह बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और ओम शाहराय नमा का मंत्र जाप कर, कर उसको चलते पानी में बहाना है हर शनिवार ईयर 2023 में जितना ज्यादा आप ये रेमेडी करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा 800 ग्राम सुरमा आपने कच्ची ज़मीन में दबाना है सैटरडे वाले दिन सारा साल ये रेमेडी करते रहें नारियल जल प्रवाह करें और कच्चा सूरमा धरती पे ज़मीन में दबाएं कच्ची मिट्टी के अंदर दबाएं ढाई हाथ खड्डा करके कच्ची मिट्टी में उसके अंदर सुरमा लिफाफे से निकाल कर दबा कर उसको मिट्टी से बंद कर दें तो आपके लिए स्ट्रगल थोड़ी कम होगी और जो भी आप स्ट्रगल करेंगे उसको उसके रिजल्ट्स आपको बड़े बेनिफिटेड मिलेंगे इस साल आपके लिए फ़र्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा खास करके जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए सारा साल बड़ा रिवार्डिंग है फ़ॉरन सेटलमेंट आपकी दिख रही है स्थान परिवर्तन आपका दिख रहा है और फॉरन सेटलमेंट आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है खास करके फोर्थ क्वार्टर में जब राहु थर्ड में होंगे और केतु नाइन्थ में होंगे और जुपिटर अकेले फोर्थ हाउस से अपनी नाइन्थ आस्पेक्ट आपके ट्वेल्थ हाउस पे डालेंगे यू विल डेफिनेटली गो इन फॉरेन लैंड यू विल डेफिनेटली गेट फॉरेन जॉब और फॉरेन बिजनेस देखिए अगर कोई फॉरेन बिजनेस करना भी चाहते हैं तो वो जो टाइम फ्रेम है 22 अप्रैल के बाद आपकी विंडो स्टार्ट हो रही है अगर फॉरेन जाके सेटल होना चाहते हैं तो भी बाईस अप्रैल और तीस अक्टूबर बीस के बाद आपकी विंडो ओपन हो रही है लेकिन ये साल जो भी डिसीजन ले बड़े बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों की एडवाइस के साथ चलें एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ चलें 22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक कोई भी डॉक्यूमेंट बिना एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना साइन ना करें अपने स्टमक का ध्यान रख के चलें एसिडिटी ट्रबल आपको हो सकती है आई आईसाइड रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है नज़र का चश्मा आपका लग सकता है अगर ऑलरेडी नज़र का चश्मा लगा हुआ है तो नज़र आपकी और ज्यादा वीक हो सकती है ये ट्वेंटी आपके लिए नो डाउट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए विल पावर चाहिए ये ना हो कि अपॉर्चुनिटीज आए आप उसको सुनो और उसको अमल ना करो तो आप एक बहुत अच्छे ईयर को गवा दोगे क्योंकि इस साल आपका प्लेटफॉर्म बनना है क्योंकि शनि आपके आ, लगन और चंद्र राशि से थर्ड हाउस में यानी कि सेकेंड हाउस में गोचर कर रहा है जो कि उसका तीसरा साइकिल है साढ़े सती का जो उतरती हुई साढ़े सती है जब भी उतरती हुई साढ़े सती होगी और खास करके मूल त्रिकोण राशि की साढ़े सती होगी तो इस समय में आपका प्लेटफॉर्म बनेगा जिन चीज़ों में आप अनबैलेंसिंग थे पिछले दो ढाई सालों में अब यह ट्वेंटी ट्वेंटी और फाइव आपकी उन चीज़ों को बैलेंस में लेकर आएंगे एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होगी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे नए नए दोस्त आपके साथ अपॉर्चुनिटीज आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अब उन ऑपरचुनिटी को आप किस तरह से अवेल करते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो या नेगेटिव थॉट्स के साथ उस ऑपरचुनिटी को छोड़ देते हो वो आपका इंडिविजुअल बर्थ चार्ट की महादशा बताएगी कि आपकी महादशा शनि की चल रही है राहु की चल रही है केतु की चल रही है सूर्य चंद्र गुरु मंगल की चल रही है किस प्लैनेट की महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे लेकिन ट्रांजिट 20, 21 और 22 से 23 20, ये 2023 विल बी अ हाईली बेनिफिटेड फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो फाइनेंशियल क्रंच था वो अब दूर होगा जो फैमिली में अनबन था लड़ाई झगड़ा कला कलेश था स्पाउस के साथ वो अब खत्म होगा कम्यूनिकेशंस के थ्रू आपको गेंस मिलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीस के थ्रू आपको गेंस मिलेंगे इस साल लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी या फॉरन सेटलमेंट मुझे बनती हुई दिखती है थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद आपकी चीज़ें लाइमलाइट में आ जाएंगी डिवोर्स अगर अप्लाई कर रखा है या सेपरेशन चल रही है सेपरेट है आप अपने स्पाउस के साथ तो ये गलती बिल्कुल ना करें अपने स्पाउस के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखें अगर डिवोर्स अप्लाई कर रखा है तो डिवोर्स को तुरंत वापस ले लें क्योंकि सत्रह जनवरी बीस के बाद आपका यही रिश्ता फ्रूटफुल साबित होगा और आप दोनों के अंदर बहुत अच्छा प्यार होगा क्योंकि पिछले ढाई सालों से शनि लगन में आकर आपके सप्तम भाव को देख रहे थे और तो हर एक चीज को तहस नहस कर रहे थे तो ये पीरियड सत्रह जनवरी बीस के बाद गुड फाइनेंशियल गेंस के लिए है आपके अच्छे रिश्तों के लिए है स्पाउस के साथ आपके टाइप अच्छे हो जाएंगे डेली इनकम आपकी बढ़ेगी फाइनेंस आपका अच्छा होगा एक नया प्लेटफॉर्म आपका स्टेब्लिश होगा एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा जिस पर चलकर आप अच्छा खासा नाम नेम फेम शोहरत कमाएंगे। सो दोस्तों नए साल की शुभकामनाएं भगवान आपको ईयर 2023 में आपकी हर एक तरह की मनोकामना पूरी करें आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहें और आप हमेशा बहुत तरक्की करें आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं और आप जो चाहते हो आपको वो मिले इन्हीं सब दुआओं के साथ इन्हीं सब विशेष के साथ मैं अपनी वाणी को वराम देता हूँ वानस अगेन हैप्पी न्यू ईयर स्टे कोल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नमस्कार सलाम जय हिंद